नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की क्लास। ठीक है, जनरल साइंस की एक पूरी सीरीज मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिसमें आप लोगों से जनरल साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि ये इतने अच्छी तरीके से रिटर्न नोट्स भी आप इससे बना सकते हो कि वो MPPSC, MPUSC किसी भी वन डे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास, ये पूरी विज्ञान की पूरी श्रृंखला, जिसमें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका विज्ञान, जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए ले आऊंगा सामान्य परिचय, जिसमें हम कोशिका के विकास किस तरीके से हुआ और कोशिका किसने प्रकार की होती है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, अगर हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान क्या है, कोशिका विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका, ठीक है, कोशिका तथा उसके केशिकांग या सेल ऑर्गिनल। अब सेल ऑर्गिनल का मतलब क्या होता है, देखिए कोशिका तो है, अब कोशिका के अंदर के अंग की बात करेंगे तो उन्हें हम बहुत छोटे ऑर्गन यानी हम उसे कोशिकांग कहते हैं, और ये कोशिकांग के बारे में हम लोगों को डिटेलिंग में चर्चा करना है, जिसमें हम माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, गॉल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, बहुत सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, और उनके कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ओके, तो ये है कोशिका विज्ञान की सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद कोशिका की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि कोशिका की परिभाषा किस तरीके से आएगी। कोशिका की परिभाषा की सामान्य परिभाषा जो आप लोगों को अक्सर हर एक बुक में देखने को मिल जाएगी, और वो किस तरीके से देखने को मिलती है कि कोशिका प्रत्येक जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है, संरचनात्मक का मतलब क्या है कि जितने भी जीव जंतु हम इस दुनिया में देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई जानवर हो, उनकी सभी चीजें अगर हम उनको सभी को पूरी अच्छी तरीके से देखें तो उनका पूरा जो निर्माण हुआ है, चाहे हाथ पैर वगैरह जो भी हो, तो उनकी सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक इकाई जो उन्हें बनाती है वह भी एक कोशिका है। क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है कि उन्हीं कोशिकाओं के कार्यों की वजह से पूरा शरीर भी काम करता है, स्पेशल अंग भी काम करते हैं, ऊतक काम करते हैं, ये सारी चीजें इन्हीं कोशिकाओं की वजह से होती है। तो ये हमने देखी कोशिका की परिभाषा। अब कोशिका की कुछ विशेष परिभाषाओं को हम देख लेते हैं कि कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी जैविक सक्रियता की इकाई है, जिसमें निर्जीव माध्यम में स्वतः प्रजनन करने की क्षमता होती है। ये कुछ थोड़ी स्पेशल टाइप की डेफिनेशन है। अगर आपने कोशिका देखी होगी तो कोशिका मतलब इस तरीके से आपने बेसिक क्लासेस में अगर स्टडी की होगी तो कोशिका कुछ इस तरीके से, अब कोशिका जितने भी प्रकार के हम कोशिका देखते हैं ना, तो वो कोशिका के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, और यही झिल्ली क्या करती है तो इस कोशिका को इसके बाहरी वातावरण से अलग करती है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या भरा हुआ होता है, तो इसी के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है कि इसी के अंदर कोशिका के जीवन के लिए जितनी आवश्यक सामग्री होती है वो सारी की सारी इस जीव द्रव्य में ही होती है, इसी के अंदर कोशिकांग भी होते हैं। साथ ही साथ में इस कोशिका के पास एक स्पेशल चीज क्या होती है कि ये किसी भी निर्जीव माध्यम, निर्जीव माध्यम का मतलब क्या होता है कि चाहे वो सजीव हो या चाहे वो निर्जीव हो, ठीक है, उसके अंदर स्वतः प्रजनन करने की क्षमता होती है, यानी सेल डिवीजन करने की पावर होती है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, जिससे ये अपनी ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर पाती है। तो ये है कोशिका की कुछ हम बोल सकते हैं आधुनिक प्रकार की परिभाषा। अब आगे बात कर लेते हैं कोशिका का इतिहास। कोशिका के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आता है, कोशिका का इतिहास सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ साथ प्रारंभ हुआ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण सबसे पहले हॉलैंड के वैज्ञानिक जेंसन ने किया था। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि माइक्रोस्कोप, यहां से एक फैक्ट आप लोगों को पता चलता है कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी, तो वो जेट जॉनसन ने की थी, ठीक है। यहां पर अगर पूरा नाम लिखें तो यहां पर जेट जॉनसन आ जाएगा, ठीक है, जेट जॉनसन ने की थी। जबकि अब हम बात करते हैं तो जैसे ही हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, उसी के साथ साथ ही, या उसी के हम बोल सकते हैं कि उसके पैरेलल ही क्या हुआ, कोशिका का विकास भी, कोशिका के बारे में भी हम लोग समझने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा उपकरण आ गया था जिसके अंदर हम जिसकी सहायता से हम कोशिका के अंदर झांक सकते थे। अब अंग्रेज वैज्ञानिक, ध्यान से समझिएगा,
अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और साथ ही साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण नाम भी है। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क के पतले टुकड़े का स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। ठीक है, इसका मतलब कॉर्क, अब यहां पर एक वर्ड आता है कि कॉर्क का पतला टुकड़ा क्या होता है, तो कॉर्क का पतला टुकड़ा क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक लकड़ी, इस लकड़ी की जो पतली सी छीलन होती है, अगर हमें और इसको आम भाषा में और सरल भाषा में बोलूं तो लकड़ी को छिलने के ऊपर से आप छिलते टाइम क्या होता है कि उसे हम छिलते हैं तो यहाँ पर उसकी जो स्लिप्स निकलती है, जो उसकी पतली पतली चिप्स निकलती है, जैसे हमारे इधर लैंग्वेज में इसे ही क्या कहा जाता है, तो रुंदा कहा जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके ऊपर की सतह को चिकना किया जाता है और बड़ी पतली सी एक परत निकाली जाती है। तो उसी तरीके से कॉर्क, अब कॉर्क क्या है, तो कॉर्क एक नरम प्रकार की लकड़ी होती है जो काफी मुलायम टाइप की लकड़ी होती है, ये एक लकड़ी का नाम है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका उपयोग कहां पर होता था, तो पहले क्या था कि जब बॉटल का तो आविष्कार हो गया था, लेकिन उस बॉटल के आविष्कार के बाद क्या हुआ कि इसके ढक्कनों का निर्माण नहीं हुआ था। अब इस बॉटल के ऊपर क्या किया जाता था, तो कॉर्क एक पतली नरम और थोड़ी सी लचीली टाइप की लकड़ी होती है, तो इस ढक्कन को बंद करने के लिए लकड़ी का कुछ इस तरीके से मुंह बनाया जाता था, और ये आप देख पा रहे हो कि इसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी, और फिट होने के बाद इसको काफी अच्छी तरीके से ठोक दिया जाता था, जिसकी वजह से ये इस बॉटल का मुंह बंद हो जाता था। ठीक है, अब स्वनिर्मित, तो ये जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं यहां पर डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो माइक्रोस्कोप है, यही वो माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था सन 1665 में, और इसी के आधा मतलब इसी के अंदर उन्हें कॉर्क, यहां पर उन्होंने कॉर्क की छीलन को रखा था और जिसमें सबसे पहली बार कोशिका को देखा था। और उसने जब उसने देखा तो उसने क्या देखा, तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान खोखले कोष्ठक दिखे। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान किस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से, जैसे ही इन्होंने यहां पर देखा तो कुछ इस तरीके के चीजें दिखी कि यहां पर कुछ इस तरीके से खोल दिखे, ये कुछ इस तरीके से लकड़ी के छीलन में ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे क्या दिखे, कमरे नुमा स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, अब कमरे नुमा स्ट्रक्चर दिखे और कुछ कुछ चीजें यहां पर इस तरीके से गोल गोल ब्लैंक भी थी, कुछ इस तरीके से काली काली, बहुत ज्यादा उस समय पर इस चीज को समझ में नहीं आए, लेकिन बाद में जाके यही पता चला कि ये कोशिका का महत्वपूर्ण अंग केंद्रक होता है। ठीक है, अब कोष्टकों को नाम, उन्हें उन्होंने उस कोष्टकों को नाम दिया। ठीक है, परंतु वास्तव में इन्होंने एक मृत कोशिका को देखा था। अब ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की तो खोज की, लेकिन उन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने लकड़ी की छीलन को लाया था, ठीक है, तो लकड़ी पेड़ से अलग हुए काफी समय हो चुका था, तब तक वो कोशिकाएं डेड हो चुकी थी, तो उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। आगे बढ़ते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने कोशिका के मतलब कोशिका की खोज तो कर दी, लेकिन उस कोशिका को बताने के लिए कुछ ना कुछ, लोगों को सामने बताने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तब क्या हुआ, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इन कोशिका का चित्र भी दिया था और इसका वर्णन किया था। अब इसी के आधार पर कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। अब जबकि अगर हम बात कर लेते हैं कि कोशिका का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, तो जीव विज्ञान की कोशिका मतलब कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा साइटोलॉजी में किया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोशिका के इतिहास को थोड़ा सा और समझते हैं, या हम बोल सकते हैं कोशिका का इतिहास के साथ ही साथ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका को देखा था, तो जीवित कोशिका किसने देखी थी, तो सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में देखा था। अब ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहली बार जीवाणु को भी किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखना है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली जीवित कोशिका देखी थी, और वो जीवित कोशिका एक जीवाणु के अंदर की थी, और उस जीवाणु का नाम क्या था, तो वो था माइकोप्लाज्मा।
अब सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु में पाई जाती है। जबकि सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और तंत्रिका कोशिका ये जनरली कहाँ पाई जाती है, तो ये जनरली मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है, और ये सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब इन्हीं कोशिकाओं की मदद से हम हाथ हिला सकते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, ये सारी की सारी इन्हीं तंत्रिकाओं कोशिकाओं को। ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर एक जाल जैसी संरचनाएं बनाती है, जिनके माध्यम से विद्युत आवेग के जरिए हम हमारे कार्यों को परफॉर्म करते हैं। अब एक स्पेशल फैक्ट आप लोगों को क्या याद रखना है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका तो है, लेकिन इनमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता। इसका मतलब जब क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं किसी शरीर के अंदर अंदर विकसित होती है, तो वो कब विकसित होती है, तो वो माता के गर्भ में ही विकसित होती है। माता के गर्भ में 9 महीने की प्रक्रिया के दौरान जितनी भी तंत्रिकाएं कोशिकाएं बन चुकी होती है, वही फाइनल होती है उसके मरते दम तक। ये कोशिकाएं अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अब सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, अब याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, लेकिन अगर उसने स्पेशली मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ली, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो मादा के अंडाणु होते हैं, यानी फीमेल ओवम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो पुरुषों के शुक्राणु होते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा, छोटा सा डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो मानव जाति में मादा के पास होती है, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मानव जाति में नर के पास शुक्राणु के रूप में होती है, ठीक है। अब मनुष्य के शरीर लगभग, तो मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है, तो लगभग 10^14 कोशिकाएं होती है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है पुणे में स्थित है। यहां से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत किस तरीके से, यानी कोशिका सिद्धांत का बेसिक मतलब यह है कि कोशिका किस तरीके से काम करती है, या फिर इसका पूरा जीवन चक्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, स्लीडन एंड स्वान ने सन 1839 में प्रतिपादित किया था। अब जिनके अनुसार, तो भैया इन्होंने क्या बातें कही थी, इन्होंने कही थी कुछ चीजें स्पेशल जिसको पॉइंट वाइज मैंने लाया हूं। सभी जीवित जीव कोशिका इनके उत्पाद से मिलकर बने हुए हैं। अब ये बात याद रखें, जितने भी जीवित जीव हम देखते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वो सारे के सारे कोशिका या कोशिका के ही उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें तो माता के गर्भ में एक सबसे छोटी कोशिका से निर्माण शुरुआत होती है, और जिसे जाइगोट कहा जाता है। फिर इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि कोशिकाएं बनते जाती है, और कोशिकाएं बनते 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 फाइनली क्या होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है कि जो शरीर बना हुआ है, जो पूरा शरीर बनता है, वो या तो एक कोशिका है या उस कोशिका का उत्पाद है। तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखनी। अब अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और इनमें अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, या अनुवांशिक गुण एक जैसे ही होते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो आरबीसी की कोशिका के अंदर सेल डिविजन होगा, तो सीधी सी बात है वो आरबीसी ही बनेगा, यानी लाल रक्त कणिका ही बनेगी इस प्रकार से। अब कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, ठीक है। यानी केंद्रक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है एक कोशिका के अंदर, किस तरीके से क्या क्या कार्यों को करता है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, नई कोशिका के निर्माण करने की प्रक्रिया को टेटीपोटेंसी कहा जाता है।
ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि क्या होता है कि टोटिपोटेंसी वो प्रोसेस है जिसके अंदर नई नई कोशिकाएं बनती हैं। चलिए अब आप लोगों को एक विशेष बात क्या याद रखनी है, जो क्योंकि क्या होता है, इस कोशिका सिद्धांत का कुछ अपवाद है और वो अपवाद कौन है, विषाणु। तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है कि विषाणु जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि विषाणु जीवन और मृत के बीच की रेखा भर है। ठीक है, यानी हम जीवा विषाणु एक ऐसी चीज है कि जिसे हम न तो पूरी तरीके से जीवित कह सकते हैं न तो पूरी तरीके से मृत कह सकते हैं, ये इन दोनों के बीच का है। ठीक है, और ये हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक खोज का विषय रहा है। अब विषाणु का शब्द, अंग्रेजी शब्द वायरस का शाब्दिक अर्थ है विष। इसका मतलब क्या होता है कि विषाणु हमेशा हमारे शरीर में जाकर हमें रोगों से भर देता है या हमें रोगग्रस्त कर देता है। अब सर्वप्रथम सन 1716 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पहली बार पता लगाया था कि चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। तो आप लोगों को ये फैक्ट अब बहुत स्पेशल तरीके से याद रखना है कि चेचक में पहली बार ये पता लगाया था कि चेचक जो है वो विषाणु विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, और वो सन 1716 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है, तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव जिसका पूरा शरीर के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि बहुकोशिकीय का जीव का मतलब क्या होता है कि उसका शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब एक कोशिकीय जीवों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, नीलहरित शैवाल आदि। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है अमीबा का डायग्राम। ठीक है, ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम, ये है युगलिना और नील हरित शैवाल। ओके, जबकि बहुकोशिका यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मनुष्य आ जाएंगे, हाथी, घोड़े, बैल, बकरी, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार किस प्रकार से, तो हमने कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड करा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रो। जैसे आप लोगों के सामने अगर प्रो शब्द सुनाई दिए तो प्रो को आप मान लीजिएगा कि प्रो मतलब पुराना, ठीक है, और यू को आप कुछ इस तरीके से मेंशन कीजिएगा कि यू मतलब न्यू, तो न्यू का मतलब पुरानी प्रकार की कोशिका, यूकैरियोटिक न्यू मतलब नई प्रकार की कोशिका। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कोशिकाओं की बात की जाए तो सबसे पहले कौन सी कोशिका आई थी, तो वो आई थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एक सेल मेम्ब्रेन दिख रही होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन होने के बाद इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को ब्लू ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल ये जनरली डीएनए भी हो सकता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये होते हैं, और साथ ही साथ में ये जो गोल गोल वाले हिस्से कौन से हैं, तो ये राइबोसोम है जो इसके अंदर भटकते हुए रहते हैं। अब इस तरीके से ये सारी चीजें थी। अब इसके अंदर हम झांक के देखते हैं तो हमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं देखने को मिलता, यानी यहां पर इसमें केंद्रक का अभाव होता है, और साथ ही साथ में जितने भी इसके अंदर कोशिकांग, जैसे एक कोशिकांग प्लाज्मिड है तो इसके ऊपर कोई कोशिका झिल्ली स्पेशली देखने को नहीं मिलती। अब यहां पर इनके पीछे एक पूंछ जैसी पाई जाती है जिसे फिलेंजेला कहा जाता है, जिसकी मदद से ये कुछ कोशिका, ये जीव थोड़े से आगे बढ़ सकते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ये मोस्ट डेवलप्ड कोशिका है, सबसे ज्यादा विकसित कोशिका है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे केंद्रक देखने को मिलता है, ईआर देखने को मिलता है, सेंट्रोसोम देखने को मिलता है, माइटोकांड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है, और एक स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेंटर में ये स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है, केंद्रक के अंदर भी एक और केंद्रिका जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और जितने भी कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग एक दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर एक अच्छे से स्पष्ट लेयर पाई जाती है, इस तरीके से ये कोशिकांग एक दूसरे से अलग देखने को साफ साफ तौर पर मिलते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को डायग्राम वाइज इनके बीच में डिफरेंस बताया। अब यहाँ पर हम कुछ टेबल वाइज भी इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले मैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में और कुछ बता देता हूं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं संरचना के आधार पर प्राचीन मानी जाती है, ठीक है, सबसे पुरानी प्रकार की होती है। इन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक, अब सत्य केंद्रक का मतलब क्या होता है कि केंद्रक की सारी चीजें तो मौजूद होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन स्पष्ट रूप से केंद्रक देखने को नहीं मिलता, ठीक है, तथा सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होते। इनमें केंद्रकीय पदार्थ जैसे डीएनए आरएनए स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में आप लोगों को बताया था। ऐसे जीव जो इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल आदि में पाई जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देखते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचना के आधार पर अग्रिम मानी जाती है या आधुनिक मानी जाती है। इन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसे जीव जो इस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं या वे यूकैरियोट्स कहलाते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बेसिकली हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में डिफरेंस किस तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम अंतर आधार देख रहे हैं विकसितता के आधार पर, यानी कौन ज्यादा विकसित होती है। तो ये प्राथमिक व अविकसित कोशिकाएं होती है जबकि ये विकसित कोशिकाएं होती है, पहला डिफरेंस। अब दूसरा केंद्रक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, स्पष्ट कोई केंद्रक भी देखने को नहीं मिलता और ना केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली होती। इनमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आकार की बात करें तो प्रोकैरियोट जो कोशिकाएं होती है, सीधी सी बात है, इनके अंदर कोशिकांग कम होंगे तो ये कम जगह घेरते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो आकार होता है ये छोटे आकार की होती है, ये कोशिकाएं छोटे आकार की होती है और ये आकार में बड़ी होती है। कोशिकांग इनमें कोशिकांग नहीं होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनमें कोशिकांग नहीं की जगह आप यहाँ पर कम होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं की जगह आप क्या कर दीजिए, कम होते हैं, ठीक है, जबकि इनमें कोशिकांग अधिक होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या देख लें तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है, ये बात स्पेशल बनाती है दोनों के बीच के डिफरेंस को। याद रखिएगा जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है उनमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, जबकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होती है। जैसे पुरुषों की कोशिकाओं की बात कर ली जाए, पुरुषों या मानव जाति की कोशिकाओं की बात कर ली जाए तो इनमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जातियों में या अलग अलग प्रकार के जंतुओं में इन क्रोमोसोम्स की संख्या एक से तो अधिक होती है और जोड़ों के रूप में पाई जाती है, जबकि इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या एक होती है। प्रोटीन के आधार पर बात कर लेते हैं तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है, आगे जाके हम देखेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमेटीन नहीं बन पाता है। अब इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से क्रोमेटीन पाया जाता है। क्या होता है क्रोमेटीन से, ये क्रोमेटीन वाले टर्म को भी मैं आगे जाके काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ। राइबोसोम के आधार पर तो इनमें 30S, 50S, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इनमें 40S, 60S और 80S। अब ये S वर्ड क्या है, यहाँ पर काफी सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो बस आप लोग ये चीज समझिएगा कि ये साइज लिखे हुए और यहाँ पर इनके साइज का क्रम हमने किस तरीके से बनाया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑड नंबर है और यहाँ पर इवन नंबर है। तो जितने भी ऑड नंबर साइज वाले जो राइबोसोम होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, और जो भी इवन वाले होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है इनमें राइबोसोम कम भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ में छोटे आकार के होते हैं, जिसमें राइबोसोम अधिक भी पाए जाते हैं और बड़े आकार के पाए होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, नील हरित शैवाल, जीवाणु, पीपीएलओ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है मानव की कोशिका और यहाँ पर कुत्ता, भेड़, बकरी, पेड़ पौधे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज हमने पढ़ा कोशिका विज्ञान का सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ में आप वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सके, ठीक है, ठीक है। और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट मैं होता रहूं ताकि आप लोगों के लिए नए नए प्रकार के इस तरीके से वीडियोस लाता रहूं। चलिए तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।